वेलकम बैक टू माई नीनूस किचन। तो आज बनाते हैं दो प्याज से एक बढ़िया सा नाश्ता। तो मैंने यहाँ पर दो प्याज ली हैं और अब इनको मैं क्या करूँगी, छील लूँगी और छील के इनको पीसेस में कट कर लूँगी। मैंने धो लिया है अच्छे से, अब हम इसको कट कर लेंगे। प्याज कट करके रख ली है और इसमें मैं थोड़े स्पाइसेस मिलाऊँगी। इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी लाल मिर्ची, थोड़ा सा डालूंगी हल्दी पाउडर और डालूंगी चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा डालूंगी भुना हुआ जीरा और इसी में डालूंगी मैं नमक स्वाद अनुसार, यानी कि थोड़ा सा ही। और इसी में मैं ऐड करूंगी हरी मिर्च और हरा धनिया और इसको हम क्या करेंगे, हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। इसकी एक एक जो प्याज का वो है अलग अलग हो जाए, अच्छे से हमें मिक्स करना है। इस तरह से मिक्स कर देंगे। जैसे हमारे ये मिक्स हो गया है, इस तरह से हम अच्छे से मिक्स करना है। आप क्या करेंगे, हम अब मैं इसी में मस्टर्ड ऑयल भी ऐड करूँगी थोड़ा सा। और मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद फिर हम एक बार इसको अच्छे से हाथ से ही मिक्स करेंगे। इसको हमें चम्मच से या किसी चीज़ से नहीं मिक्स करना है, हाथ से ही मिक्स करना है। मिक्स हो गया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे और चीज़ें। अब दो प्याज में करीबन आधा कप आटा हमने चावल का मिक्स करा है। इसमें ये चावल के आटे को भी मैं मिक्स करके और इसका एक डोसा तैयार करूँगी। तो हमें बिना पानी डाले इस तरह से बनाकर रख लेना है और अब हमें क्या करना है, इसको शेप देना है। तरह से शेप देना है, आप किसी भी तरह से किसी भी आकार में शेप दे सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं किया है, ऑयल ऐड करा है और सारा ऑनियन और ऑनियन के साथ में चावल का आटा और सारे स्पाइसेस ऐड करे हैं। तो आपको भी ऑयल ही ऐड करना है, इसमें पानी ऐड नहीं करना है। अब क्या करेंगे, हम इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ शैलो फ्राई। तो मैंने गैस पर पैन को रख दिया है और पैन में मैं थोड़ा सा डालूंगी ऑयल, यानी कि थोड़ा सा ही, तो मतलब थोड़ा सा ही ऑयल डालूंगी। और इसी में मैं अपनी टिक्किया और जो ये मैंने शेप दिया है दूसरा वाला गोल गोल छोटा, उसको इस पर सेकेंगे। अब इस तरह से मैंने सेकने के लिए सभी को रख दिया है। अब इनको हम एक तरफ से सेकने देंगे, अच्छे से सीक जाएंगे, तब हम दूसरी तरफ से पलटेंगे इनको। अभी ये एक तरफ से नहीं सिके हैं, जब ये सिल जाएंगे तो हम दूसरी तरफ से इसको पलटेंगे। और ऑयल आप देख ही सकते हैं कि मैं बहुत कम ऑयल में सेक रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि डीप फ्राई, तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर शैलो फ्राई ही कर रही हूँ। आप देख सकते हैं सब से पलट करके सिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, तो दूसरी तरफ से सेक रहे हैं। इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको डाला है चावल का आटा, इस वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत अच्छे बनते हैं। और आप चाहें तो इसमें वो भी डाल सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, मगर चावल के आटे से ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, तो मैंने इसलिए चावल का आटा इसमें ऐड किया है। कम ऑयल में और इतना अच्छा सा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है और घर की चीज़ों से भी। तो ये दोनों साइड से ही सिक कर तैयार होगा, नहीं दो प्याज से इतना अच्छा सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसकी करते हैं प्लेटिंग।
तो ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि दो प्याज से ही बना है और घर में रहता है सामान उसी सामान से, जैसे कि चावल का आटा मैंने बताया और सारे स्पाइसेस से बनकर तैयार हो गया है। आप इसे चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हेल्दी करने के लिए शैलो फ्राई करा है। और जैसा मैंने बताया था कि प्याज में आपको ऑयल ही ऐड करना है और उसके अंदर आपको पानी ऐड नहीं करना है, तब इस तरह से ये बनकर खस्ता सा नाश्ता तैयार होगा। तो आप इंजॉय कीजिए और मैं भी साथ में इंजॉय करती हूँ नाश्ते को। फिर मिलती हूँ मैं एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देती रहूँ। बाय बाय।